सुबह से कब शाम हो जाती है और घर के कामों में बिल्कुल पता नहीं चलता है कब दिन निकल जाता है कब शाम ढल जाती है। ये रूटीन रहता है रोज मेरा। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी के अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ फ्रेंड्स, आप बताइए कैसे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आज है दिन संडे का फ्रेंड्स, तो आज थोड़ा लेट उठी हूँ जाके। पता है फ्रेंड्स कितना टाइम हुआ? 9:30 बजे, और अभी कोई घर में नहाया नहीं है। देखते हैं, वैसे आज जिद नहीं करूँ किसी के नहाने धोने की, जब मन करेगा तब नहा लेंगे, क्योंकि दिन भर बच्चों को ऐसे हो जाता है स्कूल से आना, ट्यूशन से, मतलब टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं। तो आज मैं अपना ब्लॉग जो है फ्रेंड्स किचन से मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कम आवाज आ रही है। तो अभी भैया भाभी तो उठ चुके हैं, बच्चे सो रहे हैं तीनों, और भाभी की बेटी उठ चुकी है, मैं हस्बैंड उठ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं बना लेती हूँ, मैं आ गई डायरेक्टली किचन में। तो यहाँ पर मैंने बना रखा है आटा, और यहाँ पर मैंने चढ़ा ली ये वाली कढ़ाई, क्योंकि इसमें ना ऑयल था, लोहे की कढ़ाई है ना, तो इसमें मैं पूड़ियाँ तलती हूँ, और गोभी की सब्जी रात की रखी हुई है इसलिए सब्जी अभी नहीं बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ यहाँ पर पूड़ियाँ, देख लीजिएगा। और रूही भी आ गई, रूही गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ, नाश्ता करना है क्या? है आज संडे, संडे इज फंडे है ना, संडे इज फंडे। यस, चलो फ्रेंड्स कैमरा सेट कर लेते हैं, अब रूही को नाश्ता दे देती हूँ। खलबली मच रही है रूही के पेट में, चूहे कूद रहे हैं ना रूही, और नहाना नहीं है। नहाओगे कब? नहीं नहाना आज, सब चीज में छुट्टी, बेटा नहाओगे तो जरूर। तेरे बिन कुछ नजर आता है मुझे। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। रिंकी फैमिली चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड चलिए, आज फ्रेंड दिन है संडे का, तो थोड़ा संडे में थोड़ा फंडे करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा हंसी मजाक कर रही थी अपनी भतीजी के साथ में फ्रेंड, तो मेरा 2 दिन ब्लॉग लेट हो गया था, आई एम रियली सॉरी। और पता है फ्रेंड, थोड़े से व्यूज अच्छे आते हैं एक आध वीडियो पे मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बिल्कुल भी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं पता, सब फ्रेंड्स मेरे, और कमेंट भी करते हैं कि दी आपका तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं बट व्यूज़ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। और पता नहीं, मैं मेहनत भी इतना करती हूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा, बीमार इतना रहती हूँ तब भी ना, बट हाँ एक हौसला रहता है मेरे अंदर, मतलब मेरे दिल के अंदर, कि मुझे ज़रूर यूट्यूब के, जब मैं यूट्यूब में इतना आगे पहुँची हूँ तो ज़रूर मुझे सक्सेस होना है ना फ्रेंड्स। तो चलिए कोई नहीं, व्यूज़ 30-40 भी हैं तो भी वो भी मेरी फैमिली है, मेरे साथ कनेक्ट है, तो मुझे अच्छा लगा कि और भी मेरे साथ कनेक्ट होंगे, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने कोई पार्सल मंगवाया था फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स मैंने बनाई है दोपहर में खिचड़ी, यहाँ पर छोंक करके बनाई थी, देख लीजिएगा आपकी, और उसके साथ घी है यहाँ पे, और माही चटनी दे दो, लाओ ये दे दो, मैं खुद कर लूँगी, गिर जाएगी आपसे फिर, आराम से ये देख लो, माही मेरी हेल्प कर रही है। और ये ना मैंने टमाटर धनिया की और अदरक की चटनी बनाई थी, बस बस बहुत हो गई, थोड़ा सा बोलो ना। घी किसको खाना है? मामी। मामी नहीं खाती घी, तो ये लेके जाओ अपनी प्लेट, लो। मेरी नहीं है घी, तो मेरी प्लेट भी यहाँ पड़ी, और घी चाहिए फ्रेंड देख लो, और अभी मेरे बर्तन सिंक में भरे हुए फ्रेंड्स। माही बस ज्यादा नहीं खाते है, ठीक है जाओ, मैं चलिए इसको मैं ढक देती हूँ कुकर को, बस मैं बच्चों को दे देती हूँ खाना, और देख लीजिएगा चटनी, मुझे बहुत टेस्टी लगती है चटनी, एकदम ना यम्मी यम्मी सी है। मैं इसमें तड़का नहीं लगाती हूँ, मैं इसको ऐसे करती हूँ। चलिए मैं बच्चों को दे देती हूँ, और इसको भी ढक देती हूँ मैं इसको, मुझे ना धनिया की चटनी बहुत टेस्टी लगती है, कैची कहीं भी डाल देते हैं बच्चे, थोड़ा इसको साफ कर देती हूँ, गंदा हो गया यहाँ पर, पानी पानी हो गया, बस साफ रहता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं और भाभी को देख के आते हैं, और मैंने आज टमाटर हरी मिर्च से छोंक के बनाई थी खिचड़ी। तो फ्रेंड्स खाना बना के मैं आ गई हूँ, अभी जब मतलब माही स्कूल गई है, देखती हूँ उसको भी लेके आ जाऊँगी, नहीं वैसे टाइम कहाँ हुआ होगा, 1 बजे होती है उसकी छुट्टी, तो चलिए डेढ़ घंटा। तो फ्रेंड्स ये मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप, इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं दाल चावल आज दोपहर में ही, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अरहर की दाल बना रही हूँ। और चलिए इसमें नमक मिर्च हल्दी ऐड कर देते हैं, और 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगी,
ताकि इससे ना उबलता नहीं है और सीटी बंद कर दूंगी। इधर बन रहे मेरे डेगची में चावल और ये कुछ अदरक लेके आए थे भैया, तो बस ये अदरक ना आजकल क्या हो रहा है, मतलब अजीब सा एकदम से हो गया, तो मैं इसको ना धूप में रख दूंगी छाछ में करके। तो मेरे यहाँ छाछ बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है? सूप बोला जाता होगा ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मैंने रख दिया खाना बनने के लिए, इसमें दाल बॉइल करने रख दी। इधर मेरे बन रहे डेगची में चावल और यहाँ पर मैंने टमाटर कुछ मिर्च ले लिए हैं और अदरक का टुकड़ा। फिलहाल चलती हूँ छत। और देखिए मैंने रजाई भी यहाँ पे लाके ऊपर डाल दी थी और यहाँ पर कपड़े पड़े हैं बच्चों के सभी के और फ्रेंड्स का लेना। हाँ तो ये कभी ऐसे मौसम ऐसे कि बारिश होने वाली है फ्रेंड्स, तो अभी देखती हूँ कपड़े थोड़े अगर ज्यादा मतलब ज्यादा ड्राई नहीं किए थे मैंने, बहुत कम ड्राई किए थे आज, तो देखती हूँ अगर सूखे होंगे तो वैसे तो हाँ सूख गए फ्रेंड्स, तो जो छोटे छोटे कपड़े होंगे वो उतार लूंगी। और पता जीने पर चढ़ते हो ना तो अजीब सा। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स कितने सारे मैंने कपड़े वॉश किए हैं। मैंने फ्रेंड्स ये ना सैटरडे की शाम को वॉश किए थे, बट वो मतलब मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। एक्चुअली क्या हुआ तो मन भी नहीं हो रहा था, ऊपर से ना जब कपड़े धोते हैं ना तो फिर मेरा कुछ भी मन नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे, बच्चे ना ट्यूशन जा चुके थे। कम से कम मैंने फ्रेंड्स 7 बजे जाके कपड़े वॉश किए थे, क्योंकि खाना भाभी ने बनाया था शाम को छत पे, तो वो लोग आपने ज़रूर देखा होगा। उतार लिए हैं अभी ये हैं, पहले इनको रख के आती हूँ तब ये वाले भी उतार लेंगे। पहले सोच रही हूँ कि 4 पाइप ही डाल देती हूँ यहाँ पर, उतार उतार के डाल दूंगी। और देख लीजिएगा आप बोलोगे आज रिंकी ने ब्लॉक कपड़ों का ही बनाया है क्या। और देख लीजिएगा एडिटिंग करती हूँ, कभी किसी की सीटी लगती कभी कहीं गाड़ी आती है, तो देख लीजिए मैं कहाँ जाके फ्रेंड्स एडिटिंग करूँ समझ में नहीं आता। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पर मैं कपड़े उतार के ना सारे 4 पाइप पे रख रही हूँ अभी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कितने सारे कपड़े हैं और इनको जाके नीचे तह लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि नीचे भी खाना बन रहा मेरा, फिर मुझे तड़का लगाना। देखिए मेरी बैटरी भी लो हो गई है और देखते हैं कब इनको तह लगाते हैं फ्रेंड्स। और धूप ना कभी तेज हो रही है कभी हल्की हो रही है, तो दोनों बच्चे तो घर में थे फ्रेंड्स आज, वो स्कूल नहीं गए थे। और देखते हैं माही आने वाली है, और तो चलिए फ्रेंड्स नीचे चलती हूँ और देखती हूँ किचन में पहले इन कपड़ों की व्यवस्था की जाए। इनको रखते हैं रोज यही, मतलब डेली रूटीन का यही हो गया फ्रेंड्स, घर के काम बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होते हैं। कितना भी हम सोच लें कि आज फटाफट से हम काम निपटा लेंगे थोड़ा सा आराम कर लेंगे, पर नहीं, आराम नाम तो कोई चीज़ है ही नहीं मतलब लेडीज़ के नसीब में बताओ, या बस सबके मतलब ये कि सब सबको वर्क करना पड़ता है ना अपनी लाइफ में। तो चलिए फ्रेंड नीचे चलती हूँ, और आज ना बंदर बहुत आए थे और मुझे ना दाल भी रखनी है ऊपर सुखाने के लिए। दाल इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि फिर बंदर आ जाएगा। चलिए तो बंदर घूम रहा है काफ़ी और पड़ोसियों में ना शोर भी मचा हुआ है बंदर का आज, क्योंकि बहुत भयंकर वाला फ्रेंड्स बंदर है, पता बहुत मोटा बंदर है, और कभी यहाँ आ जाता है और कभी वहाँ। और फ्रेंड्स मेरे अभी ना ये रजाई गद्दे वगैरह पड़े हैं, तो मैंने कि चलिए थोड़ा सा ना इनको भी धूप लगा लेती हूँ। तो चलिए नीचे चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर से, स्कूल आई थी मैं जीतू माही को लेने, देख लीजिएगा मैं डर गई बुरी तरह से, माही ना सो गई स्कूल में और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, और मतलब 1:30 बजे छुट्टी होती है, 3 बज गए, मैं कह रही क्यों नहीं आई माही, आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैं गई तो स्कूल का एक लड़का लेके आ रहा है साथ में जो स्कूल की देख रेख करते हैं। कौन थे वो भैया थे? सच में मैं तो फ्रेंड डर गई थी, सो गई थी शायद, मुझे लग रहा सो गई थी, सो गई। अच्छा कोई बात नहीं, चलो शुक्र है आ गई माही, मुझे लगा ना ऐसे कि सो गई थी माही, वरना ऐसा होता ही नहीं है कभी, ऐसे हुआ तीनों भाई बहन साथ आते तुम लोग। हाँ क्या हुआ हाथ में, चोट लग गई? तो फ्रेंड्स ये मेरी नहान की क्लिप है, मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया था और मैं नहा चुकी थी और पूरे घर की क्लीन वगैरह मैंने कर ली थी, क्योंकि फ्रेंड्स उस दिन ना ज़्यादा फ़ोन में प्रॉब्लम स्टोरेज प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट भी नहीं किया था। तो फाइनली मानसी उठ चुकी है और तीनों बच्चे मतलब अभी दोनों माही और जीतू मेरा बेटा वो अभी नहीं उठे हैं, क्योंकि उनके ना तीनों की तबीयत ख़राब है और आजकल ना जुकाम खांसी बच्चों को बहुत लगा हुआ है, इस वजह से मैंने उनको नहीं बोला है कि जब थोड़ी धूप निकलेगी तब उनको नहला दूंगी, बट अभी मैं नहा चुकी हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग सभी को, और सभी को नहान की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और फ्रेंड्स आज दिन नहान का और आज डेट है 8 नवंबर और दिन है ट्यूसडे का फ्रेंड्स। और हस्बैंड गए हैं अभी हरिद्वार, हम नहीं गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत मैं आपको बताऊंगी वीडियो में मैं क्यों नहीं गई हूँ, और बच्चे आज घर में ही हैं,
तो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि नान में ज्यादा स्पेशल क्या होती है, खिचड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा सारा काम फैला हुआ है, अभी पूरा किचन फैला हुआ है। तो चलिए पहले इसको समेट लेती हूँ। और पता है फ्रेंड्स आज क्या हुआ, हस्बैंड जी से मैंने बोला कि जो छाछ होता है ना, तो भैया है ना मेरे पास घर में, तो भैया को ना छाछ बहुत पसंद है, मतलब मट्ठा, गाँव का मट्ठा तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। तो ये वाला मट्ठा लेके आए थे, पता पूरा बर्फ की तरह जमा हुआ था। और फिलहाल अभी तो खैर, अभी इसमें भी बहुत सारा बर्फ है, देख लीजिएगा इसमें बहुत अभी बर्फ है इसमें फ्रेंड्स, पर अभी ठीक हो गया है। तो फिलहाल बच्चों ने मतलब भैया भाभी भैया को तो मैंने पहुंचा दी है, बाकी मतलब थोड़ा वो सभी ने खा लिया है। चलिए पहले किचन वगैरह साफ कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और अभी पूरा घर मतलब सिर्फ घर में मतलब सुबह तो मैंने कर दिया था, फिर अभी से फिलहाल बाद में जो खाने पीने के बाद में भी देखिए इधर उधर मेरा सामान फैला हुआ है। और चारपाई भी छत पे डालनी, क्योंकि देखिए एडजस्ट करने मतलब एडजस्ट थोड़ा करना पड़ता है। तो चलिए भी थोड़ा झाड़ू में मतलब झाड़ू और पोछा के लिए निकाल लेती हूँ। और हाँ गाइज, कपड़े मैंने वॉश कर दी थी, मैं छत पे डाल के आई हूँ, उनको उठा के लाना है, बट वो मैंने शेयर नहीं किया। चलिए फ्रेंड्स, और आज खाने में तो सिर्फ खिचड़ी है, कोई टेंशन ही नहीं है कि क्या बनेगा, झंझट है दुनिया भर की। तो चलिए फ्रेंड्स, हाँ जी। सो फ्रेंड्स, चलिए अपन हस्बैंड को दे देती हूँ मैं खाना, और हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था। जो मैंने हस्बैंड को खाना दिया था ना पैक करके, खिचड़ी खाई जाती है फ्रेंड्स हमारे यहाँ, तो बस वो भी वापस लेकर के आ गए थे। तो चलिए कोई नहीं, फाइनली हस्बैंड को खाना दे देती हूँ, और आप भी आ जाइएगा, खा लीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।